नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के सेशन में हम बताएंगे आपको आयुष क्वाथ पाउडर। AWPL कंपनी के बनाए गए इस आयुष क्वाथ पाउडर के बारे में हम आपको जानकारी इस चैनल के जरिए देंगे। इसमें हम आपको बताएंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स, इस पाउडर को किन किन इन्ग्रीडियंट्स से मिलाकर बनाया गया है, इसके अलावा हाउ टू यूज, इसके इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है इत्यादि, इन सारी बातों की चर्चा हम डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें कि आयुष क्वाथ पाउडर जो है AWPL कंपनी के द्वारा बनाया गया है। AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इसका पूरा नाम है। ये कंपनी बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है आयुर्वेद की, जिसमें कि आयुष क्वाथ एक पाउडर प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है हमारे शरीर में बैक्टीरियल प्रॉब्लम या वायरस से जो भी प्रॉब्लम है उनसे लड़ने की शक्ति को प्रदान करता है। ये एक तरह कह सकते हैं कि एक एडवांस इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है, बढ़ाता है, उनको इंक्रीज करता है, ताकि बाह्य जो भी रोग होने वाले हैं या हो गए हैं उनसे हमारी ये रक्षा करता है। अब बात करेंगे इसके इन्ग्रीडियंट्स की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आयुष क्वाथ पाउडर में तुलसी, दालचीनी, सौंठ और काली मिर्च, इन चारों इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर ये प्रोडक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तुलसी का हमारे हेल्थ बेनिफिट क्या है, दालचीनी से हमारे बॉडी पर क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके अलावा सौंठ से क्या बेनिफिट्स हैं, काली मिर्च जो है, ब्लैक पेपर जो है, इससे हमारे हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके अलावा हम आयुष क्वाथ पाउडर को यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हमें क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है तुलसी। यदि हम तुलसी की बात करें तो तुलसी जो है उसके हर एक पार्ट्स, चाहे वो पत्ती हो या उसके फूल हो, जिसे हम मंजरी कहते हैं, जिसमें बीज भी रहते हैं, है ना, इसके अलावा तना हुआ, जड़ हुआ, ये सारे के सारे पार्ट में एक औषधीय गुण होता है, ये औषधि के रूप में काम करता है। तुलसी जो है ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा जैसे सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुआ, बुखार हुआ, इन सारे चीज़ों से ही हमें बचाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है दालचीनी। दालचीनी एक तरह से मसाले के रूप में इस्तेमाल होती है और ये हमें बहुत सारे रोगों से राहत दिलाता है। बहुत बड़े बड़े रोग भी, जैसे मधुमेह हुआ, हृदय संबंधी विकार हुआ इत्यादि, इससे ही हमें छुटकारा मिलाता है। तो दालचीनी काफ़ी बेहतरीन होता है और ये खाने के स्वाद को भी काफ़ी बढ़ा देता है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है इसको आज का, वो है सौंठ। सौंठ दोस्तों एक्चुअली ये सूखी अदरक होती है, अदरक को सूख जाने पर ये सौंठ बन जाता है। ये एक बेहतरीन और खाने के स्वाद को काफ़ी टेस्टी करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में कहीं भी जॉइंट पेन हो या उसमें दर्द हो, गठिया इत्यादि में, ये हमको काफ़ी राहत दिलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स, जो कि ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च हालांकि बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है, ये हमारे पाचन संबंधी समस्या हो, सर्दी जुकाम खांसी हो, इसमें बहुत ही लाभकारी है। ये हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है, इसके अलावा बॉडी वेट को भी घटाने में ये काफ़ी कारगर होता है। ब्लैक पेपर जो है वो एंटी फंगल कह सकते हैं, ये किसी भी तरह के यदि बुखार है या जैसे ठंडियों में भी इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर सही रहता है और हमको ठंड नहीं लगती है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है ब्लैक पेपर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इससे होने वाले बेनिफिट्स। आयुष क्वाथ पाउडर को हम इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो आप, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले खतरे से हमारी बॉडी की ये रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, या मौसम बदलने से कोई हमको प्रॉब्लम होता है, एलर्जिकल प्रॉब्लम होता है, इससे हमें ये आयुष क्वाथ पाउडर हमें हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा ये एक एंटीबायोटिक और एंटीवायरल प्रोडक्ट है, एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है AWPL का, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि हमारे बाह्य कोई भी प्रॉब्लम हो, सर्दी जुकाम या मौसम चेंज होने से किसी भी तरह की समस्या हो, उससे ये हमें बचा कर रखता है। अब हम बात करेंगे इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले इसे, इस पाउडर को 3 ग्राम पाउडर इसका डोज है, 3 ग्राम पाउडर को 300 ml गर्म पानी में से इस्तेमाल करना है। गर्म पानी गुनगुना जो पीने लायक हो उस पानी में से इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ परहेज भी हैं, जैसे कि इस्तेमाल करते समय इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखना है इसके डिब्बे को, या डिब्बा खोलने के 1 महीने तक इसे इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि ये 1 मंथ का ही डोज है। इस
इसके अलावा ठंडे और सूखे स्थान पर रखना है, और सबसे लास्ट में है किसी भी एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स की सलाह पर ही किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि कोई भी मेडिसिन हमें कैसे लेना है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो अलग अलग होता है और अलग अलग प्रॉब्लम एक जैसे प्रॉब्लम दिखते हैं, बट बॉडी का जो डोजेस होता है उसमें वो अलग अलग हमको खुराक लेना होता है। तो किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लें कि आपका एक्चुअल डोज क्या होगा। इससे पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन है उसको लेने से पहले हमें कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, उसको जानने के बाद ही हमको यूज करना है। और एक डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकता है, या जो हेल्थ एक्सपर्ट है वही सजेस्ट कर सकता है कि आपका, जैसे वो रिपोर्ट देखेगा, रिपोर्ट देखने के बाद वो आपको बता देगा कि आपको कितना डोज लेना है, या उस प्रोडक्ट को उस मेडिसिन को लेना भी है या नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट या डॉक्टर जो है वो बता सकता है। तो आप किसी चिकित्सक से या एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें, किसी भी प्रोडक्ट को आप लेते हैं उसको लेने से पहले, या अपने जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह ले लें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आयुष को से रिलेटेड आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त इस चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।